महीने हो गए करीब आप लोगों को धरने पे बैठे हुए हैं। 2 महीने से जैसे हमें पता चला कि आप लोगों की सैलरी भी नहीं आ रही, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखो, जब 2 महीने से सैलरी नहीं आ रही है तो अब हम तो क्या कहें। पता है कि जब हम सरकारी कर्मचारी है तो हमारी आजीविका ये सैलरी है। जब सैलरी नहीं आ रही है तो परिवार का गुजारा बसारा बड़ी मुश्किल से होता होगा, ये तो आप ही मान सकते हैं। अब सरकार से हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं जल्दी से जल्दी इस माँ पड़ाव खत्म हो। हमारी मांगे सरकार जो न्याय न्याय की मांगे हैं, न्याय की गुहार लगाए बैठे हैं, सरकार जल्दी सुने। मतलब क्या था उनमें? संगठन का गुण था। 55 दिन करीब हो गए, तो आपको क्या लग रहा है कि धरना कब तक और चलने की उम्मीद लग रही है आपको? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल और धरना जारी रहेगा। बस क्या लग रहा है आपको सरकार से, उम्मीद क्या लग रही है कि कब तक आपको उम्मीद लग रही है कि सरकार हमारी मांगे मानेगी? हमको तो यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सरकार हमारी मांगे माने और हमको बेइज्जत वापस ऑफिसों में भेजे। लड़ाई हमारी कोई अलग से नहीं है, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी समकक्ष हमारा कट रहे हैं, उनके मुकाबले हम मांग रहे हैं, कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, जब न्याय की मांगे हैं, न्याय संगत मांगे हैं, तो हम उम्मीद करके बैठे हैं कि सरकार, जन न्याय की सरकार, हमारा वादा जो उन्होंने वादा किया था 18 में कि हमारी सरकार आएगी, हम बाबुओं का स्वाभिमान का वेतन है वो देंगे, तो हम मानते हैं कि हमारी उम्मीदें आस और उम्मीद जल्दी पूरी होगी, जल्दी मां पड़ाव खत्म होगा और जल्दी से हम हमारे कार्यस्थल पर लौटेंगे। धन्यवाद।